सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में स्कूल और कॉलेजों को कब खोला जाएगा, बिहार में बच्चे कब स्कूल में बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे और युवा जो हैं वो कॉलेज कब जा सकेंगे। तो इसका जवाब हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं और ये बताने जा रहे हैं कि इस मामले पर शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है, और ये बात भी बताएंगे कि शिक्षा मंत्री ने ये संकेत भी दिए हैं कि बिहार में स्कूल और कॉलेजों को कब से खोला जाना है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को खोलने के अनुकूल परिस्थितियां आने पर सबसे पहले कॉलेज और फिर समकक्ष उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि टीकाकरण और दूसरी परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने साफ साफ कहा कि 6 जुलाई के बाद उच्च शिक्षण संस्थान खोलने पर विचार किया जाएगा, हालांकि अभी इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूलों को खोलने का अभी कोई भी विचार नहीं है। उच्च शिक्षण संस्थानों को खुलने के बाद परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ही सरकार स्कूल को खोलने पर विचार करेगी। फिलहाल कोरोना की संभावित लहर और वर्तमान स्थितियों पर शिक्षा विभाग की पूरी तरह से नजर है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि विभाग बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों से कोई समझौता नहीं करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने संकेत दिए थे कि रूटीन क्लास की जगह ऑनलाइन पढ़ाई नहीं ले सकती है। हालांकि अनुकूल परिस्थितियां आने पर ही स्कूल खोले जाएंगे। शिक्षा विभाग कॉलेज खोलने का निर्णय 18 साल से अधिक उम्र के युवकों में टीकाकरण की स्थिति पर भी नजर गड़ाए हुए है। युवकों के बीच मुकम्मल टीकाकरण उच्च शिक्षण संस्थान खोलने के संबंध में पृष्ठभूमि तैयार करेगा। इधर विशेषज्ञों का कहना है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का टीका आने के बाद ही स्कूल खोलना उचित होगा, ये देखते हुए कि तीसरी लहर बच्चों पर केंद्रित रहने वाली है। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस मरीजों की रफ्तार लगातार धीमी पड़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 268 नए केस सामने आए हैं। इधर राज्य में अब 3016 एक्टिव मरीज।